हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो रोज़ प्लांट है मेरे पास जिनमें फ्लावर्स नहीं आ रहे काफ़ी दिन से, तो मैं उनको फ्रेश सॉइल में रिपोर्ट करने वाली हूँ। मैं गार्डन सॉइल एंड कोकोपीट इक्वल पोर्शन में लिया है और रिवर सैंड एंड बजरी दोनों लिया है, बारीक वाला मोटा वाला। वर्मी कॉम्पोस्ट जो है मैंने थोड़ा कम लिया है क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं रिसेंटली एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए जो लोग यूज़ करते हैं उनके पास से लिया था, ज़्यादा इफेक्टिव है तो उसको हम थोड़ा कम ले रहे हैं। और 2 टेबल स्पून मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र या नीम गली फर्टिलाइज़र आप ले सकते हो, मैंने मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र लिया है। 2 टेबल स्पून बोन मिल भी आप ऐड कर सकते हो। सैंड ऐड करने से मिट्टी वेल ड्रेन्ड एंड पोरस बनती है, तो इससे रोज़ प्लांट का ग्रोथ अच्छे से होता है। तो ये परफेक्ट सॉइल मिक्सर है रोज़ प्लांट के लिए। आप सभी सॉइल मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद आप जो पॉट में डालना चाह रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा मिट्टी भर लीजिए। तो मैंने मेरा जो प्लांट है पुराना प्लांट उसको मैंने पॉट में से हटा दिया है, उसको मैं रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैंने धीरे धीरे करके उसको निकाल दिया है, मुझे काफ़ी टाइम लग गया था इसको इसमें से निकालने के लिए। और आप देख सकते हो इसके रूट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैंने रूट में से भी थोड़ा थोड़ा मिट्टी हटा दिया है। अभी मैं इसको इसमें रिपोर्ट कर दूँगी दूसरे गमलों में। इसमें बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रहा था, मैंने बहुत सारे फर्टिलाइज़र भी दिया है। अभी देखेंगे इस ऑयल मिक्सर से इसमें कुछ फ़र्क पड़ता है कि मैंने उसको अच्छे से ये पॉट में रिपोर्ट कर दिया है। जो पुराना पॉट था मेरे पास उसको मैंने अच्छे से ड्रेनेज होल्स भी बना लिया है, तो आप ऐसा फ्रेश ऑयल में रिपोर्ट कर सकते हो फरवरी मंथ में, तो प्लांट्स ज़्यादा स्ट्रेस में भी नहीं जाएंगे। अभी 1-2 दिन के लिए इसको मैं शेडेड एरिया में रख दूँगी, उसके बाद इसको शिफ्ट कर दूँगी सनलाइट में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।